दोस्तों, महाबली जामवन का शुमार उनगिने चुने पौराणिक पात्रों में होता है जो त्रेताल युग के रामायण काल में भी उपस्थित थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी। रामायण काल में जहां वो विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायक बने थे, वही महाभारत काल में उन्होंने विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा था। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए बढ़ते हैं पुराणों में वर्णित एक रोचक कथा की तरफ। के अनुसार एक बार सत्राजीत ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सेमंतक नाम की मणि सत्राजीत को दे दी। एक दिन जब कृष्ण साथियों के साथ खेल रहे थे तो सत्राजीत सेमंतक मणि मस्तक पर धारण किए उनसे भेंट करने पहुंचे। उस मणि को देखकर कृष्ण ने सत्राजीत से कहा कि तुम्हारे पास जो यह अलौकिक मणि है, इसका वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तुम इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। यह बात सुन सत्राजीत बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चले गए। सत्राजीत ने सेमंतक मणि को अपने घर के मंदिर में ही स्थापित कर दिया। वह मणि रोजाना 8 बार सोना देती थी। जिस स्थान में वह मणि होती थी वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रेसनजीत उस मणि को पहनकर वन में चले गए। वन में प्रेसनजीत पर एक सिंह ने हमला कर दिया, जिसमें वह मारे गए। सिंह अपने साथ मणि भी लेकर चला गया। उस सिंह को वृक्षराज जामवन ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और वे अपनी गुफा में चले आए। जामवन ने उस मणि को अपनी बालिका को दे दिया, जो उसे खिलौना समझकर खेलने लगी। जब प्रेसनजीत लौटकर नहीं आए तो सत्राजीत ने समझा कि उसके भाई को कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। कृष्ण जी पर चोरी की संदेह की बात पूरी द्वारिकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए नगर के प्रमुख यादवों को लेकर श्री कृष्ण वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेसनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं पता नहीं चला। वहां निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। सिंह के पद चिन्हों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्होंने मरे हुए सिंह का शरीर मिला। मरे हुए सिंह के पास ही रिछ के पैरों के पद चिन्ह मिल रहे थे, जो कि एक गुफा तक जा रहे थे। जब श्री कृष्ण उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यही रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक रिच की बालिका के पास है, जो उसे हाथ में लेकर खेल रही है। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवन अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटे। जामवन और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। जब 12 दिन तक श्री कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादवों ने यह समझ लिया कि श्री कृष्ण की मौत हो गई है। इस कारण सारे यादव द्वारिकापुरी वापस आ गए। यहाँ गुफा में श्री कृष्ण और जामवन का युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। श्री कृष्ण की मार से महाबली जामवन बुरी तरह घायल हो गए और वे अपने स्वामी श्री राम को याद करने लगे। जामवन द्वारा श्री राम का स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में जामवन को दर्शन दिए। यह सब देखकर जामवन श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब मैं आपके स्वरूप को पहचान चुका हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तब श्री कृष्ण ने जामवन से कहा कि हे जामवन, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए मैंने तुमसे यह युद्ध किया। इस प्रसंग के पश्चात जामवन ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और वैसे ही उन्होंने अपनी कन्या जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। तब श्री कृष्ण जामवंती और उस मणि को लेकर द्वारिकापुरी पहुंचे। श्री कृष्ण ने सत्राजीत को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण सत्राजीत अति लज्जित हुए और उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया।
और वह मणि भी श्री कृष्ण को दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने उस मणि का स्वीकार न करते हुए वह मणि शतराजित को वापिस कर दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी ये प्लीज हमें कमेंट में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।